Hello everyone, my name is Shweta Nair and a very warm welcome to my YouTube channel. So as a New Year resolution, I wanted to do something out of the box. Hence, I thought like why not start a YouTube channel? So here I am. मेरा जो interest है, topic of interest is like to travel, to cook food, to explore new places, to explore new cuisine. So ये सारा चीज़ें I'll share in my upcoming vlogs. So I hope you all like it and please share, like and subscribe my video. Thank you. So आपको thumbnail से पता चल गया होगा कि मेरा video किस बारे में है. So it's a cooking vlog and the recipe is Thai curry. I know the process of Thai curry is a bit lengthy, but I have used some tips and tricks to make it shorter and yummier, which saves time. And जो आपके पास ingredients है घर पे उसके साथ ही आप बना सकते हो. And इसमें एक secret ingredient है which you will see in my coming video. So let's go. So let's start. विद द मिक्सचर ये मैंने धनिया लिया है कोरिएंडर, उसके बाद गार्लिक, देन मैंने जिंजर लिया है एंड ग्रीन चिली. इसको हम ब्लेंड करेंगे. आपको ग्रीन चिली आपके हिसाब से, अगर आपको स्पाइसी चाहिए यू कैन ऐड मोर ग्रीन चिलीज. ये मैंने ब्लेंड किया. पेस्ट कुछ इस तरह से होगा, सेमी लिक्विड स्टेट. मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है पैन में. ऑयल थोड़ा मैंने मीडियम फ्लेम में रखा है एंड जब थोड़ा हीट होगा उसके बाद मैंने वेजीज कट करके रखे हैं जिसमें मैंने कैरेट डाला है, रेड कैप्सिकम एंड येलो कैप्सिकम. उसको मैंने सौते किया. उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन बीन्स जिसको फंसी बोलते हैं वो मैंने ऐड किए हुए हैं. देन आई हैव टेकन बेबी कॉर्न, उसको भी सौते किया. एंड माई पर्सनल फेवरेट ब्रोकली. ब्रोकली इन थाई करी इज़ सुपर अमेजिंग. अगर आपको ब्रोकली नहीं पसंद यू कैन ऐड एनी अदर वेजिटेबल टू, बट थाई करी में ब्रोकली इज़ द मोस्ट यमीस्ट इंग्रेडिएंट. उसके बाद मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला हुआ है. सॉल्ट मैंने 2 टेबल स्पून डाले हैं यहाँ पे. उसको भी मैंने स्टर किया अच्छे से. ये सब मैंने मीडियम फ्लेम में पका रही हूँ मैं सारे वेजीज. ये मैंने यहाँ पे पेपर डाला हुआ है. सो अगेन इफ़ यू वांट लेस स्पाइसी यू कैन ऐड लेस पेपर टू इट. सो मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून पेपर डाल के इसको अगेन मैंने सौते किया. देन आई क्लोज द लिड एंड जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स. दिस इज माई सीक्रेट इन्ग्रीडियंट. दिस इज़ मैगी का कोकोनट मिल्क पाउडर जिसमें थाई करी का रेसिपी यहाँ पे लिखा हुआ है. सो ये मैं यहाँ पे ये पैकेट ओपन कर दिया है एंड आई एम जस्ट एडिंग इट टू द वेसल. तो मैंने यहाँ पे एकदम बड़ा चम्मच जो कि आप देख रहे हो, टू बिग टेबल स्पून ऑफ पाउडर लिया, कोकोनट पाउडर, एंड आई एम एडिंग वाटर टू इट. अगर आपको ग्रेवी थिक चाहिए तो यू कैन ऐड मोर कोकोनट मिल्क पाउडर इन इट. सो मैंने यहाँ पे ओपन किया लिड आफ्टर 5 मिनट्स. सो लेट्स सी. हाँ, ये मेरा ऑलमोस्ट अभी सारे वेजीज पक गए हैं एंड येस इट्स लुकिंग सो कलरफुल. एंड यहाँ पे मैंने ऐड किया है अपना ग्रीन ग्रेवी जो मैंने पहले ब्लेंड करके रखा है. सो आई एम एडिंग वाटर टू इट कि कुछ वेस्ट ना हो. सो अगेन वी विल सॉटे दिस ग्रेवी विद दी वेजीज ताकि इसका ग्रेवी का कच्चापन निकल जाए. एंड वी विल क्लोज द लिड फॉर 2 मिनट्स. फाइनली आई एम एडिंग दिस कोकोनट मिल्क एंड लेट्स स्टिर दिस अगेन एंड वी विल क्लोज द लिड फॉर सम टाइम. ओके नाउ लेट्स सी. वाओ इट्स अमेजिंग. इट स्मेल्स सो गुड. सो हियर आई एम एडिंग दिस फ्रेश क्रीम. दिस इज टोटली ऑप्शनल. इफ यू वांट यू कैन ऐड दिस बट इट विल ऐड अ क्रीमी टेक्सचर टू दिस थाई करी. स्टर फॉर अ व्हाइल. सो द वेजिटेबल थाई करी इज रेडी. Thank you for
फॉर वॉचिंग. आई होप एवरी वन लव माई रेसिपी. एंड अगर आपके पास कोई सजेशन हो कि इसमें कुछ एडिशन करना हो तो प्लीज लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन. एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो. थैंक यू एवरी वन फॉर योर लव एंड सपोर्ट. थैंक यू वेरी मच. बाय. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.